ठीक है, बाकी सभी लोगों को बोर्नियो का इमेज दिख रहा है कि नहीं? आ रहे हैं आ रहे हैं। ठीक है, तो जैसे आपने कल समझा था, इससे पहले क्लास में समझा था आपने किस तरह से हम रिंगर के सेक्शन को रिपेयर करते हैं। अभी आप दो स्टेप समझ चुके थे कि दो स्टेप से कंपनी ने किस तरह से रिंगर के सर्किट को डिजाइन किया है। ये थर्ड स्टेप है जिसमें रिंगर के सेक्शन में अभी भी कंपनी ने कुछ चेंजेस किया गया है। जैसे अगर आप यहाँ पर नोटिस करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पर देखो रिंगर सेक्शन खोला हुआ है, और आप यहाँ नोटिस करेंगे तो देखो एक आईसी आपका यहाँ पर है, ये भी रिंगर से संबंधित है। ठीक है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि यहाँ पर इसका आउटपुट है आपका। इससे अगर आप आगे चलेंगे तो देखेंगे यहाँ भी एक आईसी है और यहाँ भी एक आईसी है, मतलब कि इसमें आपकी तीन आईसी हो गई। देखो पहला आईसी आपका ये था रिंगर का नंबर, सेकंड आपका इसमें ये आ गया, और नंबर थर्ड इसमें ये आ गया। मतलब कि अब इसके अंदर तीन आईसियां का कनेक्शन आपस में कर दिया गया है। अब इस टाइप का सर्किट अब जब आपके सामने आता है रिंगर का फोल्ड, तो आप फिर कंफ्यूज हो सकते हैं कि मुझको किस साइड काम करना है, क्योंकि ये तो बिल्कुल डिफरेंट है। क्योंकि जैसे हमने पढ़ा था कि यहाँ पर पावर आईसी से लाइन आएंगी, तो यहाँ पर तो पावर आईसी से कोई लाइन आ ही नहीं रहा है। बाकी जैसे हमने समझा था कि सीपीयू से लाइन रिंगर आईसी के अंदर आती है, तो यहाँ पर तो रिंगर आईसी कुछ छोटा सा ही है, तो यहाँ पर तो कोई लाइन दिखाया गई नहीं है। तो हम क्या करेंगे, अब ऐसे फॉल्ट को कैसे रिपेयर करेंगे? मान लो कि अगर आपके पास ऐसा फॉल्ट आता है जिसमें तीन रिंगर आईसी का कॉन्सेप्ट बनाया गया है, तो आप उसको कैसे रिपेयर करें? तो ऐसे केस में होता क्या है, देखो इन केसों में क्या है कि इस केस के अंदर बिल्कुल सिंपल लॉजिक है, इसमें कंपनी ने कुछ भी चेंजेस नहीं किया है, वो देख लेते हैं। जैसे ठीक है, यहां पर अब कोई भाई बताएंगे हमें जिसमें पावर आईसी कॉन्सेप्ट रिंगर सेक्शन से था, उसमें डिजाइन कैसे बनाया गया था, एक बार बताएंगे? मतलब कि जैसे हमने कल समझाया था, जिस फोन के अंदर पावर आईसी अगर रिंगर के लिए सिग्नल प्रोवाइड करा रहा है, तो उसमें डिजाइन कैसा होगा ये बताओ। कि आपकी पावर आईसी से आपका क्या आता है, रिंगर आईसी के लिए पावर आईसी से हमारा क्या आउटपुट होता है जो रिंगर आईसी के अंदर इनपुट होता है? हेलो, गाना गाना का सिग्नल। हाँ, गाने का आवाज हाँ ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, हाँ, तो इसका मतलब है कि आपको अभी याद है गाने का आवाज आता है। तो अभी क्या किया गया है, देखो अगर आप देखेंगे ध्यान से, तो यहाँ पर आपकी तीन आईसी हैं। देखो आप नोटिस करना, एक आईसी आपकी ये है, ठीक है, ये तो आप लोग जानते हैं क्योंकि यहाँ पर ये लगे हैं, तो ये से आप जीरो ओम का रजिस्टर भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर ये दोनों लगे, जो कि आपकी यहाँ पर ये जो जैक है इसके पास इन्हीं सप्लाई आई हुई है, यहाँ से नीचे सपोर्ट के लिए जाता है, वहां पर अपना रिंगर अटैचमेंट में होता है। ये तो समझ में आ गया आपके में, एक आईसी आपका ये हो गया, नंबर सेकेंड आईसी आपका ये हो गया, नंबर थर्ड आईसी आपका ये हो गया। मतलब कि कंपनी ने अब कितना झोल जाल कर दिया कि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर तीन ऐसे कॉन्सर्ट दे दिया उन्होंने। अब ये जो कॉन्सेप्ट है बिल्कुल बिल्कुल ही इजी है, पर आपको कंफ्यूज करने के लिए ये डिजाइन किया गया है। तो मैं आपको समझा दूं कि इसका किस तरह से डिजाइन किया गया है, वो देख लेते हैं। ठीक है, तो पहले आप समझेंगे, पहले आप मुझे बताएं कि जिस पावर आईसी से ऑडियो के सिग्नल आते हैं, वो पावर आईसी आपका ऑडियो के सिस्टम में क्या क्या काम करता है। मतलब वो आपका ऑडियो के लिए तो सिग्नल बनाते ही बनाता है, उसके अलावा और किसके लिए सप्लाई निकालता है वो आपका, मतलब वो आपका ऑडियो से संबंधित ही, गाना जैसे माइक उसी से कंट्रोल होगा, जो कान का रिसीवर होता है, रिसीवर होता है ना कान वाला, वो भी बराबर। कंट्रोल होता है। एक बार हम इसके लिए दूसरा कोई भी इमेज खोल लेते हैं, इससे आपके कंफ्यूजन दूर हो, क्योंकि हम नहीं चाहते आपके माइंड में कोई भी सवाल रहे, क्योंकि बिल्कुल क्लियर और बिल्कुल इजी समझे।
इसमें कुछ ज्यादा बड़ा लॉजिक नहीं है, कंपनी थोड़ा सा चेंज किया है, बस इसी में आप परेशान हो जाओगे कि कैसे कंपनी चेंज कर दिया। क्लिक किया मैंने देखो MI 6 से, जो कि सिंपल फोन है, आप सभी लोग देखे होंगे, इसीलिए मैंने आपका ये खोला हुआ है। तो देखो यहाँ पर हमारा MI का 6 से खुल गया, और देखेंगे यहाँ पर, तो जैसे मैंने आपको अभी बताया था कि जो पावर IC हमारा होता है वो हमारा किस किस काम करता है, किसमें पावर IC का लॉजिक दिया होता है, तो देखेंगे आप यहाँ। देखो अभी हमने खोला हुआ है MI 6 से का माइक स्पीकर, और मतलब कि जो आपके कान में आवाज आता है उसे आप ईयर स्पीकर बोल सकते हैं, या जो भी आप बोलते हैं रिसीवर भी कह सकते हैं आप इसे। तो देखो यहाँ पर क्लियर है कि रिंगर IC के लिए जो गाना आता है वो भी आपकी ये दो लाइन है जो कि पावर IC से इसके लिए आती है, ठीक है, जो कि रिंगर IC आपकी है यहाँ पर, स्पेशल रिंगर IC, क्योंकि रिंगर IC तो आपकी होगी, क्योंकि ये क्या करती है, किसी भी गाने के सिग्नल को बड़ा करती है, जिसे हम एम्पलीफायर बोलते हैं, ठीक है, एम्पलीफिकेशन आप कह सकते हैं इस चीज को। और यही देखेंगे आप, यही सप्लाई आपकी देखो बनाया गया है कि ये सप्लाई आपकी, ये देखो यहाँ लिखा है माइक, मतलब कि ये सप्लाई आपके लिए, माइक के लिए भी सप्लाई आपकी ये बनाती है, यहाँ पर माइक के लिए सप्लाई भी आपकी इसने बनाई है। नंबर सेकंड, स्पीकर की सप्लाई भी आपकी यही ऐसी बनाती है। नंबर थर्ड, जितने भी आपके इसे आप मेन माइक कहेंगे या सब माइक, तो सब बोर्ड में लगने वाला माइक, सब सब माइक होता है, ये मेन माइक कह सकते हैं जो कि मेन बोर्ड में लगा हुआ है, ठीक है, या सेकेंडरी माइक कह सकते हैं आप इसे, उससे फर्स्ट माइक कह सकते हैं, तो इसके लिए भी सप्लाई का काम कौन कर दिया, पावर IC। इसके बाद बसता आपका रिसीवर, ये वाला आप रिसीवर का भी काम करता है आपका यही IC, जहां पर आपको ये नोटिस पर रीडिंग मिलता है। इसका मतलब हो गया कि यहाँ पर बिल्कुल क्लियर स्पष्ट कर दिया कंपनी ने कि यहाँ पर जो इस नाम का पावर IC है उससे हम ये सभी काम करवाते हैं, मतलब कि जाना भी हम इसी से आउटपुट कराते हैं, स्पीकर की जो सिग्नल लाइन है, ऑडियो सिग्नल लाइन, वो भी हम यहीं से देते हैं। नंबर थर्ड, यहाँ पर जो आपका होता है रिसीवर, उसको भी हम कंट्रोल यहाँ से कराते हैं। सेकंड माइक है आपका, उसे भी कंट्रोल हम यहाँ से कराते हैं। इसका मतलब है कि ये जो IC है इसके अंदर हमने चार, कम से कम चार ऑडियो के काम हम इसमें कराए जाते हैं, जैसे कि कंट्रोलिंग कह सकते हैं या भी आउटपुट कह सकते हैं। नंबर 1, माइक को यही कंट्रोल करता है। नंबर 2, स्पीकर कंट्रोल यही करता है। नंबर 3, रिसीवर को कंट्रोल यही करता है, और सेकेंडरी माइक को कंट्रोल यही करता है। और इसके अलावा बोलेंगे तो आप हैंड फ्री, जो आपका होता है लीड लगता है ना, लीड, ऐसे लीड जो लगता है आपके फोन के अंदर, जिसे आप हैंड फ्री सिंबल बोलते हैं, उसको भी यही कंट्रोल करता है। इसका मतलब हो गया इस IC के अंदर लगभग ऑडियो संबंधित 5 काम ये IC ही कंट्रोल करता है। अब कंपनी ने क्या किया है, केवल कुछ नहीं किया, कंपनी ने क्या किया है, अब उन्होंने पावर IC के अंदर से ये सपोर्ट हटा लिया है। अब क्या किया कंपनी ने कि जो पहले के मॉडल के अंदर जो पावर IC सारा ही कंट्रोलिंग संभाल रही थी 5 सेक्शन को, जिसमें हैंड फ्री भी आता है आपका, माइक है, स्पीकर है आपका, सेकंड माइक है, रिसीवर है, ये सबको कंट्रोलिंग पावर IC आपकी कर रही थी। तो यहां पर स्पष्ट क्लियर किया है कि अब हमने पावर IC से ये सभी कह सकते हैं, ये सभी जो सेक्शन थे वो हमने पावर IC के अंदर से रिमूव कर लिए, मतलब इसमें से हटा लिए हैं। पावर IC का नंबर चेंज हो सकता है, उसमें से हमने हटा लिया। तो यहाँ पर जो Redmi 9 पावर है उसमें यही समझाया गया है कि यहाँ पर जो पावर IC है उसको कोई भी अधिकार नहीं है ऑडियो का, यहाँ पर ऑडियो कंट्रोलिंग या ऑडियो की आउटपुट लाइन का यहाँ पर पावर IC को कोई भी अधिकार नहीं है, सारे यहाँ पर उससे अधिकार छीन लिए हैं, या ऐसे कह सकते हैं कि इस पावर IC को किसी और काम के लिए डिजाइन कर दिया गया, इसमें से रिंगर का सेक्शन निकाल दिया बाहर। अब कंपनी ने क्या किया, थोड़ा सा अपग्रेड करने के लिए या अपने फोन में थोड़ा सा चेंजेस करने के लिए, क्योंकि ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि यहाँ पर उन्होंने जो WTR चेंज किया है वो नया नंबर चेंज किया है, WTR आपका चेंज किया है 29 39 ऑफ ये वाला, पहले ये चलता था आपका, अब उन्होंने ये वाला लगाया आपका 3925 ये वाला। तो जब उन्होंने ये वाला लगाया है तो इसीलिए पूरा सर्किट चेंज कर दिया गया है।
क्योंकि जब हमारे फोन में कोई भी नया आईसी यूज होता है, चाहे वो नेटवर्क में हो चाहे पावर आईसी में, तो उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस जरूर होगा। क्योंकि कोई भी कंपनी सेम टू सेम अगर रखती है तो फिर कोई बेनिफिट नहीं होगा उसे। अपग्रेड का मतलब होता है कोई ना कोई नई आईसी को लाना। तो यहाँ पर नई आईसी आई आपकी, और यहाँ देख सकते हैं कि इन्होंने अब क्या कर दिया। जैसे मैं आपको समझा चुका हूँ, अब इन्होंने सिंपल सा लॉजिक लगाया है कि उन्होंने ऑडियो का जो सेक्शन है पावर से निकाल लिया है, पावर आईसी, ठीक है, नो सपोर्ट ऑडियो FI, मतलब इंफॉर्मेशन। इसके अंदर अब ऑडियो संबंधित कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है इसके अंदर। जी आई सी आपका कोई भी नंबर का हो सकता है ये, आप ठीक है 9 पावर के अंदर आप डायग्राम में जाकर देख सकते हैं। अब क्या हुआ है, कंपनी ने क्या किया, अब हम लोग जानते हैं कि ये पावर आईसी पहले क्या क्या काम कर रहा था। तो हमने देखा कि पावर आईसी हमारा माइक को कंट्रोल कर रहा था, तो माइक को कंट्रोल करेगा तो माइक के लिए अलग आईसी चाहिए। क्योंकि मान लो कि इसके अंदर अगर माइक ने आपके 9 वोल्ट को भी यूज में लिया है, 9 वोल्ट को, तो इसका मतलब कि 9 वोल्ट की आईसी अलग से लगाना पड़ेगा आपको। क्योंकि तो तो जब आप पावर आईसी के अंदर माइक का सिस्टम अगर नहीं है, अलग भाई लाइन से लगाना होगा। तो यहाँ पर जो ये आईसी यूज की गई है उन्होंने, अब यहाँ पर जो ये आईसी यूज की गई है वो क्या करती है, वो आपको माइक को कंट्रोल करती है, माइक को कंट्रोल करती है माइक। हमको एक टॉपिक मिल गया, बिल्कुल मतलब बिल्कुल माइक का हमने काम कर लिया। सेकंड हमारा था स्पीकर, स्पीकर के आने के लिए सिग्नल, या स्पीकर के से आने वाला स्पीकर आईसी या रिंगर आईसी के लिए, जो रिंगर आईसी नीचे लगा हुआ आपका ये वाला, जो कि MI-AT में भी लगता है, अच्छा नीचे इस आईसी के लिए आने अच्छा वाले ऑडियो के सिग्नल। अच्छा ऑडियो के आपके सिग्नल अच्छा तो ये कहां से कर दिया, ईसी से, जो आईसी आपका, मतलब कि पावर आईसी में से इतना बड़ा सेक्शन उन्होंने अलग कर दिया, इसका एक आईसी अलग से डिजाइन कर दिया। ये क्या बनाएगा आपका, ऑडियो के सिग्नल। जो दो सिग्नल आते थे ऑडियो के वो यही बनाएगा, 1 और आपका 2, दोनों सिग्नल आपके यहां से सीधे सीधे इसके लिए जाएंगे, जो रिंगर आईसी आपकी है वो, जो कि हम कल पढ़ चुके थे, ठीक है। अब यहां पर उन्होंने इस आईसी को दो काम के लिए यूज में लिया है, ठीक है। अब ये तो लिया है नंबर थर्ड, क्योंकि हमको तो अभी हैंड फ्री का भी काम कराना है, हैंड फ्री जिसमें आपका लीड का सिंबल बिल्कुल लगता है, लीड भी के लिए नहीं करना डिटेक्शन होता है, तो इसका भी काम इसी को सौंप दिया गया है, इस आईसी को, जिसमें इस टाइप का आईसी लगाओ उसमें ये काम होंगे। अब आपका हैंड फ्री का भी सिंबल इसी में दे दिया, क्योंकि ये जितना भी मतलब कहने का उतना पावर आईसी से ऑडियो का पूरा सिस्टम हटा दिया है इसके अंदर। तो जब हटाएंगे तो इसमें तो बहुत सारी लाइन आती है, तो वो सारी लाइन इसके अंदर दे दी। अब मैं आपको कल समझा चुका था कि जैसे रिंगर ठीक की ये है जो तो सप्लाई लाइन बनाने के लिए लेकिन सीपीयू उल्टे से सीधा कुछ वाला लाइन दिया आती है, वाला ऐसे कुछ में लाइन अरे आती है। एक बार माइक बंद कर लेंगे, जिन माइक का माइक ऑन है। हाँ लिख ले वही मैं लिख रहा था बस इतना ना मिला लिए बे मैंने गलती हो फोटो खींच लिया ठीक है, जैसे मैं आपको कल समझा चुका था कि अगर पावर आईसी ऑडियो के सिग्नल भेज रहा है, तो मैंने बताया था सीपीयू से भी इसके अंदर कुछ ना कुछ सिग्नल आएंगे, सीपीयू से ऑडियो का इंफॉर्मेशन लाइन इसके अंदर आएगी। जब इसके अंदर ऑडियो सिग्नल, ऑडियो का कोई सिस्टम है ही नहीं, तो उन्होंने एक आईसी अलग से बना दिया ये वाला। तो आप लोग जानते हैं कि अब इसके अंदर सीपीयू की सभी लाइन आएंगी, क्योंकि तो ये आईसी से ही ऑडियो के हमारे सिग्नल निकल रहे हैं, तो इसमें सीपीयू से लाइन आएंगी, जो कि सीपीयू की इंफॉर्मेशन लाइन होती है, जिसमें आपकी डेटा, क्लॉक, जो भी लाइन ऑडियो की ये सिग्नल बनाने के लिए आती है सीपीयू से, वो सभी लाइन इसके अंदर आपकी आएंगी। तो ये हो गया। और ये जो यहाँ पर जो आईसी लगी है वो आपकी सिंपल वही आईसी है जो आपने कल पढ़ा था, ऑडियो एम्पलीफायर। मतलब कि ये आईसी तो केवल वही काम करेगी, किसी भी ऑडियो के सिग्नल को बड़ा कर देना, बस ये एक एज अ बस ओनली रिंगर आईसी है, रिंगर आईसी ओनली, बस ये रिंगर आईसी की तरह काम करे, और इसमें कोई नया फंक्शन नहीं है। बाकी जैसे आप देखेंगे ये जो आईसी है वो इस टाइप बनाती है उन्होंने, पिन वाली,
इस टाइप की आईसी को बना दिया है ओनली उन्होंने बस। बाकी आपको कन्विंस करने के लिए क्या किया उन्होंने, बॉल वाली आईसी को हटाकर उन्होंने पिन वाली आईसी को बना दिया है बस सिंपल। पहले हम देख रहे थे हमको जो रिंगर आईसी थी, जैसे हमने सिक्स से में देखते हैं, यहाँ पर हम सिक्स सेकंड में देखेंगे तो यहाँ पर जो रिंगर आईसी है वो यहाँ पर कुछ तकरीबन चार चार आठ मतलब 16 मतलब 14 15 बॉल की आपकी आईसी यहाँ पर बनाई गई है। तो यहाँ पर क्या किया उन्होंने, इस आईसी को इस रूप में डिजाइन कर दिया है बस, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं MI8A के अंदर। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ एक बार, ये रही, ओनली कुछ चेंजेस नहीं सही है। अगर आप है। पिन गिनेंगे तो एक दो अच्छा तीन चार पांच छह 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 12 12 और 8 20। ठीक है, एक बार माइक बंद कर लेंगे, जिन भाई का माइक ऑन है जिससे डिस्टरबेंस ना हो। तो यहां पर देखा कि आपका इस आईसी का क्या काम कर रहा है आईसी, ये आईसी आपका देखो तीन आईसी किस लिए बनाया गया। पहला आईसी समझ गया आप, ये तो रिंगर का ही लिया आईसी बना दिया अलग से, ये तो रिंगर का है ही, वो तो होना ही चाहिए, रिंगर का तो आईसी अलग से होता ही होता है, ये तो क्लियर हो गया। नंबर सेकंड, अब जो पावर आईसी के अंदर हमारे सिग्नल बनते थे वो काम के लिए उन्होंने अलग से एक आईसी डिजाइन कर दिया। कुछ समय पहले कंपनी क्या कर रही थी, कुछ समय पहले कंपनी सीपीयू से ही सारा का सारा लाइन को डायरेक्ट रिंगर आईसी के अंदर भेज रही थी। अब उन्होंने क्या किया कि ऐसा ना करके उन्होंने एक अलग से स्पेशल आईसी बना दिया। उस आईसी का क्या काम दे दिया, एक तो आप हैंड फ्री को संभालोगे, हैंड फ्री सिंबल कैसे लगता है कैसे नहीं लगता उसको संभालेंगे, नंबर सेकेंड आप दोनों माइक को संभालोगे, नंबर थर्ड आप ऑडियो के लिए जो गाना बनता उसको भी आप संभालोगे। ये तीनों काम इस आईसी को सौंप दिया। अब बचा हमारा रिसीवर, जो हमारा कान वाला रिसीवर होता है जो कान के लिए सप्लाई जाता है, अब वो बच गया। अब हमको मालूम है पावर आईसी तो उसके लिए भी सप्लाई बनाती है, तो उसके लिए अब क्या हुआ कि इस आईसी के अंदर जिसने भी डिजाइन किया उसने इसके अंदर अब जगह नहीं बचा, आप ऐसे कर सकते हैं इसके अंदर आप जगह नहीं बचा, तो इसीलिए उन्होंने अलग से फिर एक आईसी बनाया, अलग से ओनली एक आईसी को डिजाइन किया, वो केवल ओनली रिसीवर के लिए है, कान वाले रिसीवर के लिए ओनली एक अलग से आईसी को बनाया। ये आईसी आपकी ओनली रिसीवर के लिए लगाया गया, ये आईसी अब कितना काम करेगा ये ओनली रिसीवर के लिए है, और ये आईसी केवल ऑडियो मतलब रिंगर आईसी ही आपकी है, ओनली रिंगर का काम करेगा, एम्पलीफायर का काम आपका यहाँ पर आईसी करेगा। और आप लोग जानते हैं कि जब कोई भी आईसी काम करता है तो उसको क्या क्या चाहिए, इनपुट तो चाहिए चाहिएगा, फिर ईएन चाहिए, फिर आपका आउटपुट चाहिए। अच्छा इसीलिए इसके अंदर आप जो लाइंस देख रहे हैं इस टाइप से वो वही हैं, इसका इनपुट है और पावर आईसी से इसको ईएन मिल रहा है, जैसे ये आईसी चालू हो जाए और ये सारे सारे सिग्नल को बना दे। तो बस जिसमें आपका इस टाइप से तीन ऐसी दिखती है तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना है, बिल्कुल इजी है, कुछ नहीं किया गया, कंपनी ने बस पावर आईसी से ऑडियो का अधिकार छीन लिया है बस, और एक अलग आईसी को डिजाइन कर दिया गया है और इसमें कुछ भी नया नहीं है। बाकी आप देखकर थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं, घबरा सकते हैं कि तीन ऐसी हैं, अब रिंगर नहीं बजा तो मैं किस में काम करूं, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। जिसमें आपका अलग से इस टाइप का आईसी लगा होगा उसमें जो ये वाला कॉइल होता है उसमें से आपका एक कॉइल ग्राउंड होगा आपका, ये आप याद रखना, जब एक कॉइल जिसके पास ग्राउंड हो तो समझ लेना वो आपका रिंगर के लिए गाना बनाने वाली आईसी है, उसे कहीं आप रिंगर आईसी मत समझ लेना, ऑडियो एम्पलीफायर आईसी मत समझना, क्योंकि आपको कंफ्यूजन हो सकता है, क्योंकि इसके पास भी आपके दो कॉइल है तो आप समझेंगे भाई गाना ये भी बना सकता है, और नीचे इसके पास भी दो कॉइल है तो आप सोच सकते रिंगर आईसी ये है मेरी, तो कंफ्यूज मत होना क्योंकि इसमें से दोनों कॉइल में से एक कॉइल ग्राउंड होगी आपकी, समझ जाना कि दोनों में से कोई कॉइल ग्राउंड है तो ये वो वाली आईसी है जिससे कि हमारा गाने की लाइन निकलता है, जो पहले पावर आईसी इस काम को काम कर रही थी वो अब इस आईसी ने इस काम को संभाल लिया है। आपको थोड़ा बहुत समझ में आया है कि नहीं, बाद में मैं आपको दोबारा रिपीट कर दूंगा इस चीज को। हेलो अच्छा दीपक शर्मा जी, आप बताएंगे आज आपका माइक अनम्यूट है, आप बोलेंगे आपको समझ में आया है कि नहीं। जो सर, थोड़ा लेट हो गया था आज मैं। कोई दिक्कत नहीं, जितना भी समझ में आया है
आपको जो कुछ समझ में आया है कि नहीं, वैसे सही बोलना, सर अभी 2 मिनट पहले ओपन करा मैंने इसलिए। कोई दिक्कत नहीं है तो नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। बाकी आपका मिथलेश गॉड आपको समझ में आया है? हाँ सर क्लियर है, अभी याद तो समझ में आया। नहीं आप पहले आप एकदम घबरा सर जाते होंगे, मतलब क्या हो गया, 3 H दे दिया किसी कैसा ना, थोड़ा कंफ्यूजन था, अभी कैसा समझ में आ गया भाई। सीधी सी बात है, अभी पावर एसी के अंदर जगह नहीं है तो कंपनी ने उसका डिपार्टमेंट अलग कर दिया, सीधा हाँ पंडा है। बल्कि ये ठीक है। हाँ क्योंकि आप लोग जानते हैं कि रिंगर आईसी में इतना जगह था नहीं, और रिंगर आईसी हमारा क्या क्या संभाल रहा था, दोनों माइक संभाल रहा था, स्पीकर संभाल रहा था, हैंड्री भी संभाल रहा था और रिसीवर भी संभाल रहा था। तो उन्होंने एक आईसी बनाकर 3 चीजों को कंट्रोल कर लिया, हैंड्री बना लिया उन्होंने, माइक बना लिया, ऑडियो बना लिया। अब रिसीवर के लिए उसमें जगह ही नहीं बची तो फिर अलग से आईसी बनाई। तो इसके लिए अभी इसके सर साथ ये कंपनी ने गलत किया है ना, अभी इसमें दो क्या जरूरत ही नहीं, उसमें और थोड़ा आईसी को बड़ा कर देना चाहिए था। तो ऐसा होता है कि कंपनी है ना पहले से ही बहुत सारे बोर्ड बना के रखती है। आप लोग देखते होंगे कि किसी फोन के अंदर सेम जो फोन जो मॉडल वीवो के अंदर है वही सेम टू सेम बोर्ड आपको मिल जाता है एमआई के अंदर भी। बोर्ड का नहीं डिजाइन वो बोल तो रहा है, हूँ, इसका मतलब है कंपनी एक साथ बनाती है बोर्डों को। ये कंपनी अलग होती है जो बोर्ड बनाती है। ये जो एमआई वीवो ओप्पो है वो तो केवल इनसे इनका खरीदती है डायग्राम को कि हमें बराबर। इस टाइप का सिलम चाहिए केवल। और जैसे मान लो एमआई की कंपनी है वो मीडियाटेक से अपने आईसी खरीदेगी, उसके बाद केवल अपना सिक्योरिटी देती है, अपनी सिक्योरिटी ओनली, बस अपना अपडेट देती है केवल, बाकी सारा चीज ही बाहर से इम्पोर्ट करती है अलग अलग कंपनियों से। तो यहाँ पर समझ में आ गया आपको? क्लियर डाउट तो नहीं इसके अंदर, बिल्कुल क्लियर है? नहीं, क्लियर है, क्लियर है सर। आप तो समझ जाओगे ना कि रिंगर कैसा भी आए समझ जाओगे, भाई मैं जो इस आईसी पे काम करना तो इसी पे काम करूंगा, मैं इसको नहीं छेड़ूंगा। अच्छा तो इससे पहले क्या था, इससे पहले जैसे अगर रिंगर नहीं बजा तो आप सीधा रिंगर आईसी को चेंज मार दिए, अब नहीं समझ में आया तो फिर आप पावर आईसी को रिबल मार दिए, किसी ने बोल दिया पावर आईसी चेंज मार दो, आप चेंज मार दिए, रिंगर नहीं बजा, किसी भाई ने बोला कि ऐसा करो अभी तो फोल्ट सीपीयू से आ रहा है सीपीयू को रिबल मार दो, आपने सीपीयू को रिबल मार दिया, तो प्रॉब्लम आपका सॉल्व होगा कि नहीं होगा ये बताओ। तो है, सही बात है। मान लो ऐसा समझो कि इस आईसी से ये गाने का सिग्नल आपका इस आईसी के लिए नहीं आया, ठीक है, और आपको इसका सर्किट का नॉलेज नहीं है, तो आप क्या करोगे, पहले रिंगर आईसी चेंज मार दोगे। अब आपके माइंड में रिंगर ऐसा रहेगा कि यार नहीं पावर आईसी से ही हो सकता है, क्योंकि पावर आईसी से पहले गाने की आवाज आती थी, तो आप इसको चेंज मार दोगे, फिर आपका माइंड थोड़ा डिस्टर्ब हो जाएगा। आप सोचोगे यार किससे पूछो, आप किससे पूछोगे, बोलोगे आप सीपी रिबॉल मार दो, तो तुम सीपी रिबॉल मार दोगे, शायद से डेड ना हो जाए, तो उसके सही साथ बात है, रहने वाला यही तो गलती होता है ना इंसान से। आप यूएपीएस रिबॉल मार दोगे, यूएपीएस रिबॉल मारने के चक्कर में सेट डेड ही हो गया, रिंगर की पोर्ट के लिए हो सेट आया गया था आपने डेड कर दिया, ठीक है। तो देखो मैंने कल से लेकर और आज तक आपको जितना भी रिंगर का आईसी बनाया गया है या कंपनी जिस तरह से डिजाइन कर रही है इतना ही डिजाइन किया है, इसके अलावा अभी नया कोई डिजाइन है, ये 5G में चल रहा है बहुत ज्यादा जबरदस्त, 5G में रिंगर का फोल्ट इसी से आ रहा है, मतलब कि इस टाइप का ही है, आप कंफ्यूज मत होना रिंगर का फोल्ट आया, घबराना मत कि 3 IC है कि 4 IC है, 4 IC कैसे मान सकते हैं हम, क्योंकि इसमें पावर आईसी से भी कुछ कमांड इसके अंदर आती हैं, वो तो जैसे है। मैं आपको बता चुका हूँ आईसी को भी कैसे काम करेगा, इनपुट EN और आउटपुट, तो भाई ये भी एक एक टाइप का आईसी है, तो उसको भी तो कुछ चाहिए काम करने के लिए, बराबर इनपुट चाहिए, तो EN इसने दे दिया ऐसे मान लो, इससे ये आईसी प्रॉपर काम करने लगे। तो अभी तक का 5G का लेटेस्ट सप्लाई यही है, ये 5G है, ये 5G है, 5G रिंगर सेक्शन ऐसे चल रहा है, जो आप पहले देख चुके थे वो 4G था, ये 5G है आपका, ये आपका 5G टेक्नोलॉजी है जिसमें रिंगर का ऑडियो सेक्शन आपका ऐसे चल रहा है। अब तो आपसे गलती नहीं होगी ना, नहीं, सर गलती नहीं होगी। बाकी हाँ आप थोड़ा समझ के टाइम लेके काम करना, पर गलती मत करना, कभी ऐसा सही मत बात करना है कि सर। किसी के बहका में आकर आप सीधा सीपीयू को रिवॉल्व मार दो, इसका मतलब है कि आपको खुद का नॉलेज है ही नहीं कुछ, आप तो तुक्के में काम कर रहे हो, ऐसा नहीं, अब आपको नॉलेज हो गया समझ के काम करना,
स्टेप स्टेप चेक करना, ये तो मैं आपको समझा ही चुका हूँ कि रिंग राशि कैसे काम करती है, तो आप कर लिया, आपने पढ़ा था ये तो। हेलो, हाँ सर, ठीक है, अब आपको मैं थोड़ा सा आपसे पूछता हूँ, अब आपको बताना। जिस भाई को ने कल क्लास लिया था वो आप बोल सकते हैं, मान लो कि अब मुझको ये दो टिप्स मेरी रिंगर की है, रिंगर के लिए मेरे पे फॉल्ट आया है जो कि Redmi 9 Power है, इसमें डिजाइन ये वाला सर्किट है, ठीक है, समझ में आ गया आपके में। अब बताओ कि ये दोनों दोनों पॉइंट पर रीडिंग मुझको इस पर 300 मिल रहा है, इस पर 500 मिल रहा है, तो मैं किस आईसी पर काम करना चाहूंगा, तो रिंगर ऐसे ही चेंज करना पड़ेगा, ये वाला, क्योंकि हाँ, क्योंकि रीडिंग यही पर रीडिंग यही ऐसे बना रहा है, हर स्टेप स्टेप अपना ये। इसका मतलब है, आपका कहने का मतलब है कि इसकी जिम्मेदारी है रीडिंग की, कुछ बराबर बराबर, हाँ भी गलती हुआ तो इसकी जिम्मेदारी है, इसी को ही हर्जाना भुगतना पड़ेगा, बराबर, हो मतलब आप इसे चेंज करेंगे रीडिंग ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगी, जाए। ठीक है। चलो, मैंने गाना बजाया, गाना बजाने के बाद मुझे इन दोनों टिप्स पे वोल्टेज नहीं मिला। अब भाई, चलो रीडिंग चेक के लिए, रीडिंग से आपको ये समझ में आ गया कि हाँ मेरा लाइन जुड़ा हुआ है, तो रीडिंग से ये कंफर्म हो गया कि रिंगर आईसी से जो लाइन बना है वो क्लियर है। अब मैंने गाना बजाया, मुझे वोल्टेज चाहिए दोनों पर सेम वोल्टेज आना चाहिए, पर मुझे दोनों में से किसी पे बराबर, वोल्टेज नहीं मिल रहा, तो अब मैं किस पे काम करूंगा बताओ। लेकिन वोल्टेज अगर आज नहीं आ रहा है तो अगला स्टेप है कि देखेंगे कैसा है ये, इसका सेक्शन किधर गया है। अगर पावर ऐसे में गया है तो फिर पावर ऐसे की तरह अपन चेक करेंगे कि इधर वोल्टेज इसके आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो जो आप फार्मूला बताए थे कि ईयरफोन लगा के वहां पे पहले नहीं चेक नहीं नहीं करेंगे। अब अभी थोड़ा सा आप फास्ट चले गए, थोड़ा फास्ट चले गए। मैंने केवल ये आपसे ये बोला था कि जब गाना बजाएंगे तो ये दोनों टिप्स पर वोल्टेज आना चाहिए, तो पहले ये बताओ कि वोल्टेज की जिम्मेदारी किस आईसी पर है। वोल्टेज की जिम्मेदारी पहले इसी आईसी पे, अगर इस पे नहीं आ रहा हाँ तो फिर अगला कदम उठाएंगे ना सर। हाँ इस आईसी की जिम्मेदारी, तो मतलब इस आईसी की आप रिक्वायरमेंट से चेक करेंगे, रिक्वायरमेंट मतलब इनपुट ईएन, बीपीएच, हाँ ईएन और बीपीएच बराबर, वो तो और चेक करना पड़ेगा। आप चले गए थे गाने वाली लाइन पर, वो तो बाद की बात है, बराबर वो तो बाद की बात है, वो बराबर, तो जब जो भी गाना आएगा वो तो बाहर निकाल देगा, पहले इसको तो चालू कर लो मशीन को, इस वाली मशीन को, हाँ बराबर, तो पहले आप बीपीएच इसका चेक बराबर, करो इनपुट, फिर चेक करो ईएन, और दोनों दोनों बराबर ठीक है, दोनों ठीक है, फिर भी वोल्टेज नहीं बना रही, तो किसको चेंज करेंगे। मान लो कि इस आईसी का आपको इनपुट ओके मिल रहा है, यहाँ पर वोल्टेज मिल रहा है, और ईएन जो सीपीयू से आ रहा है, यहाँ लिखा है ईएन, ये ईएन है आपका, यहाँ भी आपको वोल्टेज मिल रहा है, फिर भी आईसी आउटपुट नहीं कर रही, तो फिर क्या चेंज करेंगे। इसी को चेंज करेंगे, रिंगर इसी को ही, हाँ क्यों चेंज करेंगे बताओ, क्योंकि वोल्टेज यही क्योंकि हो बनाती है, सकता खराब हो खराब हो, बराबर हो सकता है खराब हो। हो सकता नहीं है, खराबी है, क्योंकि हम लोग जानते हैं किसी भी आईसी कैसे काम करती है, इनपुट ईएन और आउटपुट, जब इसको मैंने आउटपुट चेक किया इनपुट मिल रहा है, ईएन भी इसको मिल रहा है, मतलब काम करने के लिए पूरी सप्लाई इसको मिल रही है, तो काम क्यों नहीं कर रही है आईसी। इसका मतलब है इसके अंदर का मैकेनिज्म, इसके अंदर का जो भी कार्य करने की प्रक्रिया बराबर वो खराब हो गई है, तो बराबर, हम इसे चेंज मार देंगे, जैसे आप चेंज करेंगे तो आपका वोल्टेज यहां पर आ जाएगा, वोल्टेज आपका आने लगा, वोल्टेज क्यों आता है, बराबर क्योंकि हमको वोल्टेज के लिए केवल ईएन चाहिए, ईएन तो सीपीयू से आता है, बिल्कुल क्लियर है, ईएन सीपीयू से, जैसे सीपीयू ईएन को भेज देगा, ये आईसी वोल्टेज को रिलीज कर देगा। अब मान लो, अब आपको रीडिंग और वोल्टेज दोनों मिल गया, समझ में आ गया आपके में इतना। हेलो, हाँ सर, अब आपको समझ में आ गया। अब बताओ कि अभी भी मुझको अब रीडिंग और वोल्टेज दोनों गाना बजाने पर आ रहा है, पर मुझे गाने में कुछ आवाज सुनाई नहीं दे रहा, तो अब मैं किस पर काम करूंगा। अभी अभी अपना अगर समझो ये इसका इन मिल रहा है और सिग्नल मिल रहा है, फिर भी गाने का आवाज नहीं आ रहा है, फिर अपन जो गाना बना तो उसके ऊपर जाएंगे तो हाँ उधर। हाँ हाँ क्योंकि आपका कहने का मतलब है कि गाने से अगर कुछ भी गाना आएगा तभी तो बाहर निकालेगी, अरे बराबर, ये तो ऑडियो एम्पली, ये तो इसका काम क्या है, किसी भी छोटे सिग्नल को बड़ा कर देना, जिससे स्पीकर के लिए इतना पावर बना देना जिससे स्पीकर पे वो गाना सुनाई दे सके हमको। अच्छा सर, ये जो गाने का जो सिग्नल है इसमें कुछ वोल्टेज तो आता है ना, जैसे 1 वोल्टेज या वन मतलब कि पॉइंट हाँ बताते हैं कि इसके अंदर इतना आपका जैसे इसके अंदर इतना सिग्नल आता है जिसको केवल आप डीएसओ के माध्यम से चेक कर सकते हैं, मतलब आधा वोल्टेज करीब आपका इसके अंदर आता है, आधा वोल्टेज की सर।
ठीक है, तो उसके लिए आप इसे डीएसओ से ही चेक कर पाएंगे, क्योंकि ऐसा क्यों, क्योंकि इसमें आपके बीच में रजिस्टर लगती है आपकी सीरीज में, यहाँ पर देखो सीरीज में लगाओ कैपेसिटर फिल्टर करने के लिए। ठीक है, आप समझ में आ गया, अगर मुझको रीडिंग और वोल्टेज मिल रहा है पर गाने की आवाज फिर भी बाहर नहीं निकल रही, तो मुझे चेक करना पड़ेगा रिंगर आईसी को मिलने वाले गाने की आवाज मिल रही कि नहीं। इसे इसीलिए मैं इसे गाने की आवाज बोल रहा हूँ, जिससे आप समझ सके कि हाँ गाने का मतलब हो गया कि गाना इसके अंदर आता है। इस ऐसे काम क्या है, इस गाने की आवाज को बड़ा कर देना कि जितना स्पीकर में सुनाई दे सके हमको। बराबर। अब बताओ इन लाइनों को, अब आपका नंबर फर्स्ट समझ में आ गया, नंबर सेकंड समझ में आ गया, नंबर थर्ड ये है, नंबर थर्ड लाइन को चेक करने के लिए आप क्या करोगे बताओ। अच्छा सर, यहाँ पे अगर मेरे कमजोर डीएसओ नहीं रहेगा तो फिर टूटा कुछ मेथड। अब देखो आप बोल रहे हो मैंने आपको कल ही आधा बताया, वोल्टेज आप बता रहे, आधा वोल्टेज आप बता रहे हो, नहीं आधा वोल्टेज बोलो देखो कितना। मैंने आपको कल ही बताया ये दो लाइन को चेक करने का बिल्कुल इजी तरीका, नहीं वो तो आप बताए थे कि ईयरफोन से अपन कैसा चेक कर सकते हैं, बस बिल्कुल लेकिन और सिंपल, उसके अलावा। बिल्कुल सिंपल है ना। मान लो कि आपने ईयर स्पीकर लगा दिया, आवाज नहीं आई, तो कौन सा को चेंज करोगे आप, इससे ये वाला सिग्नल निकल रहा है हाँ उसका पावर ऐसी तो जहाँ सीधा तो सीधा हो गया, जिसका हाँ जिसका वो आउटपुट आ रहा है। सीधा सीधा हो गया ना, इसमें तो कुछ लॉजिक है ही नहीं। अब मान लो कि आपने इस आईसी को भी चेंज कर दिया, फिर भी आपका इससे आवाज नहीं आया, इसका मतलब क्या हो गया, इस ऑडियो के सिग्नल को बनाने के लिए सीपीयू से इस आईसी के अंदर जितना भी लाइन आया है, या इस आईसी को काम करने के लिए जो भी इनपुट लिखा हुआ बीपीएच पावर, और इससे आप ईएम कह बराबर सकते जो हाँ हैं, ये अगर ये नहीं मिला बराबर तब भी ये नहीं बनेगा, या सीपीयू से कोई लाइन कट गया नहीं तब भी नहीं बनेगा, बनेगा। नहीं बनेगा, सही बात क्लियर हो गया, कुछ तो डाउट है नहीं। इसीलिए है। ई लाइन को चेक करने का तरीका बिल्कुल इजी है, आप उससे चेक करो, बिल्कुल सिंपल है। अब डीएसओ के चक्कर में पड़ेंगे तो बहुत लंबा चला जाएगा केस। बराबर ठीक है, जब जहां पर डीएसओ की जरूरत पड़ेगी मैं आपको बताऊंगा, यहाँ पर डीएसओ आपको लेना होगा, जहां पर डीएसओ जरूरत नहीं है तो फिर किसी भी सर्किट को हम इजी करते हैं, बिल्कुल इजी, जिससे किसी भी भाई को समझने में आसानी हो। अब आपके भी इतना समझ में आ गया, ठीक है। अगर इसके बाद भी आपका रिंगर ना बजे तो आप इसकी लाइनों को चेक करेंगे, जितनी भी लाइन सीपीयू से आती है, क्योंकि सीपीयू से जो भी लाइन आएंगी वो क्या लाइन होंगी, आपकी ऑडियो इंफॉर्मेशन की लाइन, जो कि इस आईसी को मिलेंगी, जिससे ये आईसी आपकी रीड करेगी, और उसके हिसाब से जैसे आप गाना बजाते हैं तो जैसे इसको सिग्नल मिलेगा, ये रिंगर के ऑडियो सिग्नल को आउटपुट कर देगी, जो कि सीधा हमारा इस आईसी के अंदर इनपुट हो जाएगा, जो कि ऑडियो एम्पलीफायर ऐप की आईसी है। इसका काम क्या होता है, किसी भी बड़े गाने को, किसी भी छोटे सिग्नल को इतना बड़ा कर देना कि स्पीकर में हमको प्रॉपर आवाज में सुनाई देने लगे, तो यही आपका कंप्लीट रिंगर सेक्शन। अब आपको समझ में आ गया, जो भी भाई नए जुड़े थे मैंने आपको बिल्कुल रिपीट किया है प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप, पहले आपको क्या चेक करना है, नंबर सेकंड क्या चेक करना है, नंबर थर्ड क्या चेक करेंगे, नंबर फोर्थ क्या चेक करेंगे, नंबर फाइव क्या चेक करेंगे। अगर इस तरह से आप स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो फिर मेरे हिसाब से रिंगर का फॉल्ट आपसे तो बचेगा ही नहीं। बाकी अलग बात है कि आप अगर शॉर्टकट यूज करेंगे तो मैं ये कह नहीं सकता कि आप शायद शॉर्टकट यूज करेंगे तो हाँ, फिर आपको फिर से रिपीट करना पड़ेगा ये सेम मेथड ही, जैसे स्टेप बाय स्टेप, पहले रीडिंग फिर वोल्टेज, और ये दोनों क्लियर है तो गाने की आवाज, ये भी क्लियर है तो फिर आप जो भी आपके जहां से भी गाना आ रहा है उस आईसी को चेक करेंगे, वो आईसी क्लियर है तो उस आईसी में आने वाले सीपीयू लाइन चेक करेंगे, ये सब क्लियर होगा तो गाना बज ही जाएगा आपका। बजना ही बजना श्योर है। हाँ एट लीस्ट नहीं तो बजा तो सीपीयू रिवॉल्व करके तो 100% बजना ही चाहिए। लास्ट मेथड है, सही हाँ तो आप बात है। अब अगली बार से आप रिंगर का फोल्ड बनाएंगे, मैंने आपको ऐसा कोई डिजाइन नहीं है जो कि मैंने आपको नहीं बताया हो, रिंगर का ऐसा कोई डिजाइन नहीं, अभी तक कोई डिजाइन नहीं बना है। 5G हो, 4G हो, 2G हो, कोई भी फोन हो जिसमें इसी तरह का डिजाइन आपका होता है, अभी तक के लेटेस्ट लेटेस्ट फोन के अंदर। अगर आप यहाँ पर अगर वन प्लस में भी लेंगे तो सेम डिजाइन आपकी वन प्लस के अंदर भी है, ठीक है। इस मेथड को आप यूज करेंगे तो बहुत हद तक आप बहुत हद तक समझ सकेंगे कि जैसे अगर आप आईफोन में जब काम करेंगे तो आईफोन में देखा होगा आपने कि एक सेक्शन के लिए कई सारे आईसी को यूज करते हैं वो, तो इस
टाइप से आप समझेंगे तो आपको समझ में आने लगेगा कि हाँ किस तरह से जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो अपने फोन को ज्यादा समय तक टिकाऊ रखने के लिए हर सेक्शन की अलग अलग आईसी क्यों बनाती है। इसलिए बनाती है क्योंकि एक आईसी एक सेक्शन कंट्रोल करेगा तो उस पर ज्यादा लोड नहीं पड़ेगा, वो कम से कम हीट होगा और काम इजिली करेगा। जैसे मान लो पावर आईसी आपका, अब आप क्या कर रहे हैं पावर आईसी में आप गाना भी बजा रहे हैं, ठीक है, आप व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं, इसके बाद मान लो पावर आईसी तो अपनी पावर बना रहा है उसके चक्कर में इतना वो हीट हो रहा है ऑलरेडी, और आपने साथ में गाना भी बजा दिया तो गाने का भी लोड इसी के अंदर है, ठीक है। तो इस तरह से आईसीयू ज्यादा ओवर हीट हो जाती है, ओवर हीट होने से इन आईसीयू की लाइफ कम हो जाती है। इसीलिए देखा होगा आपने कि जितने भी अभी के लेटेस्ट फोन आ रहे हैं, जैसे अगर देखेंगे सैमसंग की ए सीरीज A14 A12 बहुत जल्दी सेट डेड हो जाता है, क्योंकि उसका मदरबोर्ड भी बहुत ज्यादा खराब बनाया गया कंपनी ने, ठीक है। और जितना भी कंपनी अभी जो अपडेट दे रहा है, जितना भी सेक्शन को अलग कर रहा है, वो आपके लिए बिल्कुल बेस्ट है। इससे फोन टिकाऊ रहेगा और आप हम लोगों के लिए रिपेयरिंग भी इजी हो जाएगी, क्योंकि जब आईसी अलग अलग लग जाएंगी तो हमको बिल्कुल इजी होगा एक एक फोल्ट को रिपेयर करना, शायद ज्यादातर डेड नहीं होगा, सीपीयू से बहुत ही कम फोल्ट बनेंगी। आप किसी भाई को भी कुछ ही पूछना है रिंगर से संबंधित तो पूछ सकते हैं आप, तो मुझे एक सवाल है आपसे बोलो। सर, ओरिजिनल रिंगर लगाने के बाद भी कई बार रिंगर फटा फटे की साउंड आती है, ओरिजिनल रिंगर लगाने के बाद भी? चलो ठीक है तो देख लेते हैं। अच्छे से ये मालूम आपका रिंगर का प्रॉब्लम होगा। नहीं रिंगर किसका, ओरिजिनल लगाने के बाद भी हाँ मैं समझ गया बात को। जैसे मान लो कि अब आपने क्या किया कि आपने रिंगर ऑर्जिन लगा दिया फिर भी आवाज फट रहा है, तो इसका मतलब है कि मान लो कि इस आईसी का वोल्टेज आउटपुट होता है यहाँ पर 2.8, अगर मान लो किसी वजह से इसके अंदर वोल्टेज ज्यादा आ गया 2.9 या 2. जो भी है समथिंग समथिंग, तो आपका इसमें फट सकता है। इसका मतलब है कि रिंगर आईसी आपका ओवर वोल्टेज बना रहा है, पहली बात तो ये आपका हो सकता है। पहला कॉन्सेप्ट में आपका ये हो सकता है कि ऐसा भी हो सकता है शायद वोल्टेज ज्यादा बन रहा हो, इससे भी आपका आवाज फट सकता है, ठीक है। नंबर सेकंड, जिसमें ये गाने का आवाज जो आता है, मतलब कि जो भी ये जो आईसी है जिनके अंदर गाना, इसके अंदर गाना आता है, इसके अंदर गाना आता है जो कि आपका इस आईसी के अंदर इन हो जाता है, या आईसी उस गाने को बड़ा कर देती है, तो शायद इस गाने जो गाने की लाइन है उसमें ही प्रॉब्लम हो। इसमें अगर इसमें ही पीछे से नॉइस आ रहा होगा तो फिर आपका आवाज आउटपुट फटा हुआ आएगा। अगर इसका सिग्नल प्रॉपर फिल्टर नहीं होगा तो फिर आपका आवाज फटा हुआ आएगा। तो मान लो पहले आप लोग तो रिंगर आईसी तक तो पहुंच जाते हैं, आप चेंज कर देते हैं, उसके बाद भी आपका फटा हुआ प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है, तो फिर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ऐसी कंडीशन में अगर ये लाइन पावर आईसी से आ रही है तो पावर आईसी को चेंज मारते हैं, अगर ये आईसी इससे है तो हम इसको चेंज मार देते हैं, ये चेंज करने के बाद प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। ठीक है, ठीक सर। किसी किसी केस में ऐसा भी देखा गया कि फोन अपडेट होने के बाद भी प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है। फोन अपडेट होता है, कंपनी कुछ उसमें नया फीचर ऐड करता है, तो उसके अंदर भी ऐसा देखा गया, तो कभी कभी डाउनग्रेड करने सॉफ्टवेयर उसका, जैसे उसका वर्जन अभी 12 है, आप थोड़ा सा डाउनग्रेड करेंगे 11 करेंगे तो फिर स्पीकर ठीक ठाक हो जाता है। ये भी मैंने बहुत से सैमसंग के सेट में देखा, अपडेटिंग करने के बाद स्पीकर फटाफट आवाज देने लग जाता है। तो ये कुछ भी रीजन हो सकता है, अगर आप स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो पहले आप इसे चेंज कर देखो ये क्लियर है, तो उसके बाद आप इस आईसी को चेंज कर दो, प्रॉब्लम सॉल्व होना ही चाहिए तुम्हारा, क्योंकि इसके इसके अलावा तो रिंगर फटने का आवाज नहीं हो सकता आपका। देखो फटा हुआ आवाज क्या आ सकता है, जैसे मान लो कि जो भी आईसी गाना बना रही है अगर उसमें ही पहले से सिग्नल ज्यादा आ रहा है या वहीं से कोई डिस्टरबेंस आ रहा है तो स्पीकर में फटा हुआ आएगा। ये आईसी का जो रोल है वो केवल इतना है, जो भी आप इसे दोगे, अगर मान लो आपने यहाँ से दिया हेलो तो आपको हेलो बाहर निकालेगा, अगर आपने यहाँ से कोई भी इसे खराब आवाज दिया तो ये खराब आवाज ही बाहर निकालेगा। बस इसका काम कितना है, जो भी आप दोगे उसको बड़ा कर देगा, इतना बड़ा कर देगा कि स्पीकर में उस आवाज को आप सुन सके, बस इसका काम इतना होता है। इसे आप ऑडियो, इसे आप रिंगर आईसी के नाम से जानते हैं। बाकी किसी भाई को कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं।
नहीं, मुझे समझ में आ जाएगा, आ गया। चलो ठीक है, अब आपको मैंने जितना भी सर्किट है वो संप्लीट बता दिया मैंने आपको। नंबर 1 सर्किट पावर हाँ आईसी वाला, ठीक है, नंबर सेकंड सर्किट सीबी वाला, नंबर 3rd जिसमें 3 आईसी लगी होंगी। समझ जाना किस किस काम के लिए, हाँ। किस समय किस पे काम करना है। नहीं सर, मुझे एक बात बोलना है, बोलिए। वो 5G का जो हैंडसेट आया ना अभी, उसका नेटवर्क का पूरा सोल्यूशन बोल देना। देखो इसके लिए पहले आपको समझना होगा 2G नेटवर्क को, फिर 3G बैंड हाँ को, फिर 4G को, फिर 5G को। फिर अगर 5G को, फाइव मैं कल डायरेक्ट अगर आपको ये वाला सिस्टम समझा था नहीं, फिंगर वाला, तो आप ओ समझ ही नहीं ठीक है ठीक पाते, है। हाँ, आप कुछ समझ ही नहीं सही पाते बात कि है। सर कहाँ से क्या हो गया। इसमें तो पावर आईसी भी लाइन आ रही है, यहाँ भी लाइन आ रही है, बहुत सी लाइन यहाँ से गई है, इधर आ रहा है, उधर जा रहा हाँ है, क्या हो रहा है समझ नहीं आ रहा है। हाँ बराबर। इसीलिए मैं बिल्कुल आपका जो बिल्कुल आपकी जो गाड़ी है हाँ नहीं नहीं बिल्कुल, आप जो बता रहे हैं स्टेप बाय स्टेप। हाँ उसे मैं बिल्कुल आपको, जैसे हम लोग क्या है ना, हम लोग किसी भी मॉडल वाइज नहीं पढ़ाते, हम लोग पढ़ाते हैं कि कंपनी बना कैसे रही है सर्किटों को, हाँ जिससे फोन चाहे कोई भी आ जाए आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। हाँ ठीक है बराबर। अगर आप इस मेथड को फॉलो करेंगे तो भविष्य में आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। ये गलत, ठीक ये अलग बात है कि आप तुक्का मार दें कि डायरेक्ट सीपी रिवॉल्व मार दिया, ये गलत बात है। है ठीक है। हाँ तो गलत है, ठीक पहले स्टेप है, तो बाय स्टेप समझने पड़ेगा। यहां पर अगर आपको कुछ भी पूछना हो तो पूछ सकते हैं, बाकी क्लास आज आपका नहीं यही रहेगा। मैं समझ गया अब। सर क्लियर है, क्लियर है, तो ठीक है, तो अब देखो बताने के अब लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे देखो मैंने आपको स्टार्टिंग किया 2G से और मैं आपको 5G तक ले गया, तो हाँ हाँ जी सर। कभी भी ऐसा मत सोचा करो कि डायरेक्ट 5G फोन को बताओ। पहले आपको, हम लोग काम करते हैं टेक्नोलॉजी पर, टेक्नोलॉजी जी कैसे सर। काम करती है, 2G है, 3G है, 4G है, ऐसे चलते हैं। अगर हाँ आप लोग क्या चाहते हैं कि सर डायरेक्ट मुझको बताओ 5G फोन कैसे बनाए, तो नहीं पॉसिबल हो हाँ पाएगा, क्योंकि तो आपको जी पहले सर। ये समझना पड़ेगा कि 5G फोन तक आने के लिए कंपनी ने कितनी प्रकार की पावर आईसी का यूज किया है, हाँ उसने कितने सेक्शनों का काम लिया है, इस आईसी से क्यों लगाया, इसके बाद इस आईसी की जरूरत क्यों पड़ा, हाँ जी सर। इसके बाद इसका क्यों जरूरत पड़ा, तब आप समझ पाओगे 5G को कैसे रिपेयर करना है। अब मैंने जैसे आपको रिपेयर सेक्शन समझा दिया, अब आपका डाउट क्लियर हो गया, जितना भी आपको डिंगर में 4-5 आईसी दिखेगा समझ जाओगे कि टेंशन लेने की कोई बात नहीं, आराम से मैं इसको बना लूंगा। सही बात है सर। अब ऐसे ही आपका देखो जैसे ही सेक्शन चलेगा, लाइट का चलेगा, ग्राफ का चलेगा, नेटवर्क का चलेगा, तो मैं आपको इस तरह से पढ़ाऊंगा, पहले 2G, फिर 3G, फिर 5G, एकदम क्लियर ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक सर। है, क्लास का वीडियो आपको मिल जाएगा। गुड नाइट। गुड नाइट सर, टाटा।